हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। ये टॉपिक कौन से हैं आपके जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट अ हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन वन क्या कहता है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी इतना। अब प्रोजेक्टाइल को फायर किया हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी इतनी, यानी कि कितना कह रहा है ये आपको, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। मतलब आप इसको ऐसे ही कंसीडर करो, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्टाइल फायर किया तो ऑब्वियसली बात है वो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा नीचे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर ये हमारा एक्स है और ये क्या है हमारा वाई है, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी से दिया उसने इसको, यू कितना है इसमें 98 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? और कितना ऊपर है फ्रॉम द हिल, 490 मीटर हाई, 490 मीटर हाई है, यानी कि ये एच है हमारा। ठीक, एंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, पहला क्या कह रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा इसको, यही कह रहा है। तो ये क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है या नहीं होता है, टी से लिखते हैं हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर जल्दी से बताओ जरा क्या फॉर्मूला था हमारे पास टी का, जल्दी से 2h/g बताओ। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, समझ में आया कैसे लिखा है ये, तो ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, तो देखो अब टी निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 2 है, h कितना है इसमें हमारे पास 490 है, और g इसमें देखो कितना लें हम 9.8 कंसीडर करते हैं। ठीक है, 9.8 ही होता है, तो 9.8 और प्लस का g कंसीडर करेंगे बिकॉज ये क्या है हमारा डाउनवर्ड मोशन है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये पॉइंट हटेगा जब, देखो इस तरीके से 2 इंटू में 490 अपॉन में 9.8 का जब पॉइंट हटेगा तो वही 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको करो 2 4 2 9 18 और ये हो गया इधर 10 से। ठीक है, तो देख लो अब कितना आ गया ये हमारे पास 100 आ गया रूट में, तो कितना आ गया ये टाइम 10 सेकंड आ गया, बताओ कोई दिक्कत इसमें। सेकंड पार्ट में चलते हैं, देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द, अब खुद सोचो आप, ये पूरी हिल है, ये यहाँ से इस तरीके से मान लो ये पूरी हिल है। ठीक है ना, हिल है ये पूरी की पूरी, जो कि इतनी हाइट है 490 मीटर की है, और कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, तो टारगेट ये क्लियर है यहीं पर है, जैसे आई है ये। ठीक, और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, बिकॉज हिल तो ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते क्या, हिल से टारगेट यही तो बना, तो रेंज है यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या होता है आपके पास, यू अंडर रूट में 2h/g, और ये 2h/g क्या था हमारे पास जल्दी से बताओ, यही तो था टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर याद हो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना आया हमारे पास 10 आया, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा, यू कितना है हमारे पास यहाँ पर 98 है, और ये कितना आया था 10 आया था, कहीं दोबारा इसको यहाँ पर ये सब करो, समझ रहे हो ना, थोड़ा दिमाग लगाना ही है। तो ये कितना आ गया 980 मीटर आ गई रेंज। ठीक है, तो टारगेट की दूरी हिल से कितनी है, इतनी है। कहीं पर सोचते हैं हिल यहाँ से यहाँ की दूरी देखनी होगी, भाई हिल तो यहाँ ग्राउंड से ही लगा हुआ है ना, ठीक है ना, ग्राउंड पे ही तो होगा हिल, ऐसे हिल की ऊंचाई दे रखी थी 490 मीटर, तो हिल से टारगेट की अगर देखेंगे तो हम ये देखेंगे ना, उसने थोड़ी ना जहाँ से उसने थ्रो किया है या जो फायर किया है वहाँ से डिस्टेंस है, उन्होंने बोला हिल से टारगेट का डिस्टेंस, तो ये है। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो। उसके बाद क्या कहते हैं, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अब ये वही कहानी है जो मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे यहाँ पर है, ठीक इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं जस्ट रीच द ग्राउंड पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तो इसका ये हॉरिजॉन्टल होगा और एक क्या होगा इसका ये वर्टिकल होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझते हो बात को या नहीं। जैसे मैं इसको साफ साफ बनाऊँ अगर, जैसे ये यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम अगर कंसीडर करें, ये इसकी हॉरिजॉन्टल और ये क्या है वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ठीक, और ये एंगल कितना है बीटा है, ये वी एक्स हो गया, ये इसका वी वाई हो गया, तो वैसे ही निकालना है। तो देखो जी थर्ड पार्ट में जब हमें पता है वेलोसिटी विद विच, तो वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो ये होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था वी एक्स की वैल्यू क्या बताई थी, वहाँ यू बताई थी, और वी वाई की जब हमने डेरिवेशन की थी तो वहाँ पर क्या बताई थी हमने, जी टी वैल्यू आई थी, तो बस ये हमें पता ही है। तो वी एक्स यानी कि ये यू कितना है हमारा 98 है, और जी टी मतलब 9.8 इंटू में 10, तो इसका पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 98 आ गया, तो बस 98 का स्क्वायर प्लस में 98 का स्क्वायर कितना आ गया, 98 का स्क्वायर कॉमन लिया 1+1, तो स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, तो 98 बाहर आ गया और अंदर कितना रह गया 1+1 रूट में 2 रह गया। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड कितनी आ गई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, यानी कि वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी 98√2। ठीक है, और इसमें हम एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको पता ही है टेन बीटा क्या होता है हमारे पास वी वाई बाई वी एक्स, दैट इज 98 एंड 98, तो यहाँ से देख लो ना वी एक्स वी वाई, तो ये कितना आ रहा है टेन बीटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो टेन बीटा 1, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है बताओ टेंजेंट में, टेन 45 की होती है, तो बीटा कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गई, बताओ समझ में आया, सिंपल था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल है, देखो इसको भी करते हैं, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, हाइकर क्या होता है जैसे कोई पैदल यात्री हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, एज ऑफ द क्लिफ मतलब क्लिफ क्या है जैसे कोई चट्टान ही है, ठीक है, कोई चट्टान है यहाँ पर खड़ा है वो, ठीक है, स्टैंड ऑन अ क्लिफ इस तरीके से, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ग्राउंड से ये
हाइट पे कुछ खड़ा है यहाँ पर पर्सन, ठीक। एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वो इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा बताओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसने स्टोन को विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी 15 मीटर पर सेकंड से। एंड निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है जी, बिल्कुल ईजी है, हमें पता है ये वाला कैसा है आपका, जब हमने प्रोजेक्ट किया है इसको हॉरिजॉन्टली तो उसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जो उसने बोला रीच द ग्राउंड वो हमें पता क्या होता है अंडर रूट में 2h बाय में जी होता है, ठीक है। तो 2 इंटू में और कितनी कह रहा है वो क्लिफ की हाइट कितनी है 490 मीटर अबव द ग्राउंड, ये तो 490 मीटर है h, तो 490 हो गया। और जी हमें कितना कंसीडर करना है 9.8, तो 9.8 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो जब पॉइंट हटेगा तो ये 10 ऊपर जाएगा और ये 2 4 था और 2 9 था, यही बनेगा या नहीं, ये तो बिल्कुल सेम ही है, हाइट देख लो इतनी दी हुई है यहाँ पर भी, इतनी यहाँ पर कंसीडर की हमने, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ये वाला, तो ये भी 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ अंडर रूट में 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा, समझ रहे हो, इसी तरीके का क्वेश्चन था, सेम ही दे दी है हाइट, क्लियर है। और स्पीड कितनी दी है इसने यहाँ पर इसको 15 मीटर पर सेकंड दी है बस, ठीक है, ये है इसमें जो अलग है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी कहानी, क्या कहता है एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ पर कितनी स्पीड से वो हिट करेगी ग्राउंड को, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल, ये इसका वर्टिकल, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इसकी इस तरीके से, यहाँ ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो सिंपल है, ये वाला एंगल बीटा मान लेंगे इसमें, तो ये हमने पहले ये निकाल दिया। अब देखो v इक्वल टू कितना होता है हमें पता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर, इस केस में वी एक्स क्या होता है हमारा u होता है और वी वाई क्या होता है हमारा जी टी होता है। u कितना है इसमें 15 है, g मतलब 9.8 और ये 10, ठीक है, तो पॉइंट हटेगा इसका 10 लग जाएगा तो कितना आ गया ये 98 आ गया। तो सिंपल है, देख लो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15 का स्क्वायर प्लस में 98 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर ये आप सॉल्व कर लो, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, 98 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आएगा आपके पास 9604, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 9829 और इसका जब रूट लोगे तो आएगा आपके पास 99.1 स्क्वायर रूट, आते हैं ना लॉन्ग डिवीजन से लेके देख लेना, ठीक है जी। तो ये 99.1 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसने बोला था कि स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये आ गया हमारे पास, क्या बताओ समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल को फायर करा किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उसके फिर क्वेश्चंस भी अलग होंगे, वहाँ फॉर्मूले भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर, ओके, थैंक यू।